Hello students, in this video we are going to learn about methods of preparation of alkyl halide, class 12 chemistry, unit 10. So myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience and guiding a student from 2016 onward for JE Main and NET. So in this sessions you are going to learn about methods of preparation of alkyl halide. Let's begin our session. लेट्स बिगिन अवर सेशन विद ए गुड कोट कि आप जो सोचते हो आप वही हो. अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो आपकी सोच सही है. इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू ए थिंग एंड इफ़ यू थिंक यू कैन डू ए थिंग यू आर ऑलवेज राइट. तो आप जैसा आप सोचते हो आप वैसा हो. आप सोच सकते हो कि आप कर सकते हो तो ठीक है, आप नहीं कर सकते तो नहीं है, सब आपके ऊपर है. तो लेट्स बिगिन अवर क्लास विद ए गुड नोट. हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. दिस इज लेक्चर 3 एंड रेस्ट 2 लेक्चर्स आर इन द चैनल एंड मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है. आप उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो. मैंने कोई वीडियो हाइड नहीं किया है और ये वीडियो जो है नीट और जेई लेवल का भी है, क्लास 12 टू जेई लेवल तक का, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का है. तो इसमें कुछ ऐसा कंटेंट छोड़ा ही नहीं जा रहा है. सारा टोटल कंटेंट्स जो है आपके सिलेबस में सारा किया जा रहा है. ठीक है, तो इस सेशंस को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे यह लगता है कि आप अगर लाइक करोगे तो वो सेशन जो जिसे अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो वो कंटेंट को देख सकते हैं. लाइक करने से हो सकता है कि आपके चैनल्स में जो आपके ग्रुप में जो हैं, जो भी हैं आपके मित्र या कोई भी हैं, तो वो उस चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके लाइक और सब्सक्राइब से. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना फ्रॉम अल्कोहल. From alcohols, right? तो चलते हैं. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उस दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा. तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसको देख लो. तो चलिए पहले सबसे पहले अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं. जैसे हमारे पास अल्कोहल से प्रिपेयर, इसमें जो रिएजेंट यूज़ करेंगे हम लोग, वो रिएजेंट क्या होगा हमारे पास? HX और ZnX2 होगा. ZnX2 हमारा क्या है? कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट, ठीक है. इसमें क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, ये आपके पास अगर अल्कोहल है और HX को आप कैसे लिख सकते हो? HX को H प्लस और X माइनस लिख सकते हो, राइट. इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर. ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा, ठीक है. जब ये इसको लोन पेयर अटैक करेगा तो ये बनेगा OH2 डल प्लस. ऑक्सीजन पर 3 बाउंड इसको अनस्टेबल करेगा और क्या करेगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो इसमें फुल कार्बोकैटायन बनेगा, आपका कैटायन बनेगा क्योंकि आपका ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है. तो आप फुल बना लो इसमें कार्बोकैटायन इस तरह से. अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आएगा. और वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. वाटर जो है हमारा, ये वाटर है. तो वाटर जो H2 होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है. गुड लिविंग ग्रुप होता है. तो ये क्या करेगा?
इस कंटेंट मतलब ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा और एक कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटाइन। लेक्चर टू में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट पढ़ा तो इसका यूज़ होने वाला है। जब कार्बोकटाइन बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर रीअरेंज करेंगे तो, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज करेंगे। होप सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है। रीअरेंज करेंगे फिर क्या होगा कि हमारे पास x माइनस तो ऑलरेडी है, x माइनस ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर मौजूद। ये x माइनस क्या करेगा, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी यहाँ पर अटैक करेगा और हमारा फॉर्मेशन होगा अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, समझ गया। तो इस तरह से हम लोगों का क्या करना है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने किया कि आर ओ एच के पास क्या है, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर इसको एच प्लस को देगा और ये आर ओ एच टू बनाएगा। ओ एच टू क्या है, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, जब वाटर गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकटाइन क्या, एक इंटरमीडिएट है, तो रीअरेंज करेंगे अगर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है पॉसिबल, देन हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो और हमें आर एक्स का फॉर्मेशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरिया, न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन ही होता है हमारे पास इसका। तो इस तरह से हमारा कार्बोकटाइन और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसका हम लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से किया जाता है कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस अल्कोहल को हम लोग को अल्काइल हैलाइड बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस HCl को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस, यहाँ पर लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से ओ एच एच प्लस बनेगा, ठीक है। और ये ओ एच टू क्या है, एच टू एक गुड लिविंग ग्रुप है, एच टू एक गुड लिविंग ग्रुप है, एच टू ओ गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ओ एच टू निकल जाएगा, ओ एच टू निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से फॉर्मेशन होगा कार्बोकटाइन का। अब ये कार्बोकटाइन बना है, इसका रीअरेंजमेंट करना होगा, रीअरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन जो है हमारे पास, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन होगा, इस तरह से यहाँ पर प्लस का फॉर्मेशन होगा और हमारे पास Cl- भी है। ये फाइनली क्या करेगा, Cl- यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा इसको और हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरह से Cl लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रीअरेंजमेंट क्यों कराया, रीअरेंजमेंट इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन था, तीन अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ पर। जब हम लोगों ने शिफ्ट कराया तो यहाँ पर तीन यहाँ पर दो, आठ अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है, तो ये मोर स्टेबल बन रहा है हाइपर कंजुगेशन से। और ये सी एल माइनस आएगा, इसको अटैक करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इस तरह से हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो एक क्वेश्चन आप भी बनाइए, तो हमें कैसे करना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन के थ्रू चलना है। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है NaBr प्लस H2SO4। आपको बता दें कि NaBr और H2SO4 का जो रिएक्शन होता है वो क्या बनाता है,
HBR बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये HBR का फॉर्मेशन है, HBR, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, HBR को कैसे तोड़ेंगे, H प्लस BR माइनस। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पर जो प्लस है और ये माइनस है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करेगा और ये हमारे जो फॉर्मेशन, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोटोनेशन स्टेप है। प्रोटोनेशन स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा और ये प्लस बनेगा। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन क्या होगा, इस तरह के कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास कोई केस कैसा है, रिंग एक्सपेंशन का केस है, हम लोग रिंग एक्सपेंशन को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे। रिंग एक्सपेंशन, ये रिंग एक्सपैंड करेगा, रिंग एक्सपैंड कैसे करेगा, जिसको आप जिसको जिस रिंग को एक्सपैंड करना है, इसको प्लस देना है, इसको वन देना है और इसको टू देना है, इसको थ्री देना है, चाहे वन टू थ्री ऐसे दे सकते हैं। टू थ्री का बॉन्ड टूटेगा और वन का चार्ज टू पर जाएगा, वन का चार्ज टू पर जाएगा और वन और थ्री का बॉन्ड बनेगा। तो कंपाउंड कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है हमारा कंपाउंड, ऐसा 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 ऐसा। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, पांच मेंबर रिंग का और इस तरह का कार्बो का टाइम बनेगा। अब हमारे पास क्या है, बी आर माइनस है, यहाँ पर दिख रहा है बी आर माइनस। ये बी आर माइनस क्या करेगा, ये बी आर माइनस इसको अटैक करेगा, ये इस रीजन को अटैक करेगा और हमारे पास फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। इस तरह का कंपाउंड बनेगा, तो ये हो गया बी आर, ठीक है। तो एक केस और देखते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन हो गए, इस तरह से रिंग एक्सपेंशन का केस है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और रिंग एक्सपेंशन। अब हमारे पास एक और है एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, जो जो केस बन रहा है वो करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर ओ एच लगा हुआ है। अब हम इसका कराते हैं एच बी आर के साथ, एन ए बी आर H2SO4 लिखा रहे या और HBR लिखा रहे, बात बराबर है। तो इसमें तोड़ेंगे कैसे, इसको प्लस इसको माइनस, यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा, प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेश, पहला स्टेप प्रोटोनेशन। फिर ये क्या होगा, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से OH2 प्लस रहेगा, OH2 बनने के बाद क्या होगा, ये वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर से आपको रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का या रिंग एक्सपेंशन का केस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी है ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। अगर आप कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट करते हो तो ये लेस स्टेबल स्टेट है, लेस स्टेबल स्टेट है और आप कर नहीं सकते इसको। और ये जो स्टेट है आपका, ये जो कार्बन है ये मोर स्टेबल स्टेट में है, ये मोर स्टेबल स्टेट में है, मोर स्टेबल स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ दो, तो तीन दो पाँच सात अल्फा एच है इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ मूव नहीं करता है, ठीक है। तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वो अनस्टेबिलिटी हो जाता है। तो अब हमारा क्या होगा, फाइनली सेवन अल्फा एच हमारा, अब यहाँ पर क्या होगा, बी आर माइनस आएगा, बी आर माइनस इस पॉइंट को अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा बी आर। तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, बिकॉज मोर स्टेबल
more stable carbocation is formed. Carbocation is formed. इसमें rearrangement नहीं होगा. तो एक और हमारे पास है, एक और टाइप है जो हमें पूछा जा सकता है. तो एक और हमारे पास सवाल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कराना है. तो हम लोग इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले H प्लस और Cl माइनस को तोड़ेंगे. यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर इसको अटैक करेगा. ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा. ये स्टेप प्रोटोनेशन का है, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा. प्रोटोनेशन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल. तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा. जब प्रोटोनेशन होगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा OH2, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा इस तरह से OH2, ये प्लस यहाँ पर ये कार्बोकेटेड वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर से निकल जाएगा वाटर. और फाइनली जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा. तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा. अब यहाँ पर अल्फा ये देखते हैं कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है. यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 अल्फा एच हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, अगर हम इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा. अच्छे से बनाते हैं तो ये कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, इस तरह से ये होगा. ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है. अगर हम शिफ्ट कराते हैं इस हाइड्रोजन को, अगर हम शिफ्ट कराते हैं इस हाइड्रोजन को, अगर हम शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, और इस कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं, ये कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट कराते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है फाइनली इस तरह का प्लस बनता है यहाँ पे. तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं. ये लेस स्टेबल है तो हम ऐसा स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेप. अब हम लोग को नो रीअरेंजमेंट कराना है, इसमें रीअरेंजमेंट कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 अल्फा एच है. अब जब 5 अल्फा एच है तो यहाँ पर सी एल माइनस होगा, तो सी एल माइनस क्या करेगा, अब सी एल माइनस क्या करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा. ये Cl- इस पोजीशन पर अटैक करने के बाद हमारे पास कंपाउंड क्या है बनेगा, इस तरह का, ये और यहाँ पर Cl लग जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन लगेगा. राइट, तो इस तरह का हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरह से हम लोग को रीअरेंजमेंट कराना है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने NCERT से लिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हम लोग HBr की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, NaBr प्लस H2SO4. तो ये क्या देगा, यील्ड क्या करेगा हमें, HBr प्लस NaHSO4 देगा. ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन यूज NaBr H2SO4 टू प्रोड्यूस HBr.
या डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा या एचबीआर तो या इस तरह का दिया रहेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल अल्कोहल कैटेलिस्ट इज रिक्वायर्ड कैटेलिस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और कैटलिस्ट जो हम लोग लेते हैं वो अनहाइड्रस लेते हैं, तो अनहाइड्रस क्या करेगा, वी टेक अनहाइड्रस अनहाइड्रस ZnX2 because to avoid formation of alcohol again from alkyl हैलाइड। ठीक है, क्योंकि HCl मौजूद है ही हमारे पास, तो ये क्या करेगा अनहाइड्रस क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं RBr ले लेते हैं या RX ले लेते हैं, इसमें क्या होगा कि अगर अनहाइड्रस ZnX2 नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होगा, वाटर मौजूद होगा, वाटर जब मौजूद होगा और एसिड तो मौजूद होगा ही, क्योंकि HCl ले रहे तो एसिड भी होगा ही इसमें, तो H2O प्लस HCl मिल H प्लस मिल के क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा, H3O प्लस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद H3O प्लस का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसी तरह यहाँ पे क्या करेगा, ये H2O जो है टूटेगा इस तरह से H प्लस और OH माइनस आयन से, तो ये यहाँ पर से क्या करेगा HX यहाँ पे ये क्या होगा, डेल माइनस और डेल प्लस होगा, तो ये प्लस और माइनस के साथ रिएक्शन करके ये फिर से ROH का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से हमारा ROH का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो कि हम लोगों को अवॉइड कराना है, क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड ही तक स्टॉप करना है रिएक्शन को, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए फॉर 3 डिग्री अल्कोहल नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है, वो तो कंप्लीटली स्टेबल होता है, बिकॉज बिकॉज 3 डिग्री कार्बोनियम इज मोर स्टेबल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ROH कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ROH। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे 3 डिग्री अल्कोहल को, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर अल्काइल हैलाइड का ले, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HX, तो सबसे आसान बॉन्ड किसका तोड़ना होगा, HI का, HI पुअर ओवरलैपिंग से, पुअर ओवरलैपिंग होगा इसका, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। यहाँ पर HF नहीं लेते क्योंकि हम लोगों को उसको दूसरे मेथड से प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है स्वार्ज रिएक्शन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चौथा इम्पॉर्टेंट, पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइल हैलाइड, नॉट एप्लीकेबल फॉर अराइल हैलाइड। ऐसा क्यों, बिकॉज ड्यू टू
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कैसे, देखिए हमारे पास ये है बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है पाई पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कंजुगेशन हो रहा है पर कंजुगेशन हो रहा है क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये हमारा क्या हो रहा है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिटवीन कार्बन एंड OH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसको तोड़ने के लिए हमारे पास डॉज प्रोसेस है, वो हम लोग अभी देखेंगे बाद में, ठीक है, डॉस प्रोसेस में कैसे किया जाता है, द प्रिपरेशन ऑफ RCL, द प्रिपरेशन ऑफ RCL इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई एस सी एल गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल और by heating a solution of alcohol, alcohol in concentrated aqueous acid, ठीक है, तो अगर हमको प्रिपरेशन ऑफ RCL कराना है तो इट शुड बी कैरियर आउट बाय पासिंग ड्राई HCl गैस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन अल्कोहल इन कंसेंट्रेटेड एक्वस एसिड, ठीक है, ये सब NCERT बेस्ड पॉइंट है, ठीक है। और हमें सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विथ HBr इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ RBr, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज्ड फॉर द preparation of RBR, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने NCERT से लिया है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या क्या देखे अल्कोहल में, कि किस तरह से कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट किया जाता है, और
किस तरह से हमारा कंपाउंड का रिंग एक्सपेंशन, या कहाँ पर रिंग एक्सपेंशन कराना है, कहाँ पर रिंग कार्बोकोटाइन का एक्सपेंशन कराना है, ठीक है। कार्बोकोटाइन का एक्सपेंशन और रिंग एक्सपेंशन हम मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम लोग दूसरा मेथड प्रिपरेशन देखते हैं। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, रिएक्शन विथ PX3 एंड रेड पी प्लस एक्स टू। एक्स यहाँ पर क्या है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन है। जब रेड फॉस्फोरस का हमारे तो ये क्या क्या बना सकता है, PCl3 बना सकता है, PBr3 बना सकता है, PI3 बना सकता है। तो रेड फॉस्फोरस और प्लस अपना X2 रिएक्ट करके हमारा ये कंपाउंड सब बना सकता है। X हमारा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा रिएजेंट यूज़ होता है, ये रिएजेंट हमें यूज़ करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान, तो इसका रिएक्शन कैसे कराना है वो दिखाता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है, क्योंकि हम लोग अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा जो कैटेगरी है, फ्रॉम अल्कोहल ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्कोहल को, ROH को हम रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ। तो हमें क्या क्या कंपाउंड मिलेगा वो बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3 मोल लेंगे, R का 3 मोल, R OH, इस तरह से 3 मोल लेंगे। P को ऐसे लिखेंगे, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X। और क्या करेंगे, यहाँ से ये हम निकाल देंगे 3PO3, और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो RX बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा, इससे 3 मोल आप अगर ले रहे हैं, ये 3 मोल है, तो ये 3 RX बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसका क्वेश्चन क्या है। तो हमें क्या बनेगा, RX, ये RX बना, ये RX, इसके साथ कंबाइन करके ये RX बना। तो इस तरह से हमारा RX फॉर्मेशन हुआ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ROH हैगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर PX3 के साथ आ रहा है हमारा रिएक्शन, तो हम लोग सीधा RX बना देंगे। तो ये हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारा रेड फॉस्फोरस Br2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये PBr3 देगा, ठीक है। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है,
तो यहाँ पे क्या करना है, OH को हटाना है और BR लगाना है, OH को हटाना है, BR लगाना है। हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, ये OH, और हमें इसका रिएक्शन कराना है PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ क्या करना है, OH हटाना है और Cl जोड़ना है। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से यहाँ पर Cl जोड़ना है, ठीक है। Cl जोड़ना। अब हमारा दूसरा रिएक्शन है, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl5 करेंगे, तो हमें कैसे मिलेगा, ये PX5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, PX5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पर PX3 लिखेंगे, यहाँ X, तो ये जो कंपाउंड है हमारा टूटेगा इस तरह से, ये इस तरह से टूटेगा, और फाइनली जो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, RX POX3 प्लस HX। इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ROH का, अगर हम रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, RCl प्लस POC प्लस HCl, ठीक है। इस तरह से हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम लोग लेते हैं ROH का PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl5 के साथ, तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, ROH Cl यहाँ लिखेंगे, यहाँ Cl लिखेंगे, यहाँ PCl3 लिखेंगे, ये बॉन्ड को क्लिप करेंगे, ये बॉन्ड को क्लिप करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, ये वाला आएगा RCl, फिर HCl आएगा, RCl, HCl और POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन और है, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना है, OH की जगह पर Cl लगाना है, OH की जगह पर Cl लगाना है, OH की जगह पर Cl लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना बस। चलिए अब हमारे पास तीसरा रिएक्शन हो गया हमारे पास, चलिए अब डार्जन रिएक्शन है, कितना नंबर हुआ ये, तीसरा नंबर, चौथा नंबर हमारे पास है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन जो है हमारा सबसे प्योरेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है हमारा अल्कलाइनेट को प्रिपेयर करने का, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। कैसे है वो दिखाता हूँ मैं आपको, अल्काइल हैलाइड। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग थाइनाइल क्लोराइड से कराते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कैसे होता है? ठीक उसी तरह बॉन्ड क्लिप करेंगे, कैसे, इस तरह से तोड़ना है, आर ओ एच, एसओ को यहाँ पर रखना है, सी एल यहाँ सी एल, ये बॉन्ड क्लिप करेंगे, ये बॉन्ड क्लिप करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, आर सी एल एच सी एल एस ओ टू, आर सी एल एच सी एल एस ओ टू। ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एस सी एल गैस के फॉर्म में निकल जाता है, एस ओ टू भी निकल जाता है, तो हमारे बीकर में बस यही रिमेन होता है। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, डार्जन रिएक्शन को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एस एन आई रिएक्शन में, एस एन आई इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, एस एन आई इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था डार्जन रिएक्शन का कहानी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डालना है कि किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ अल्कोहल में रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और आपका इसमें भी नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें भी हमारा नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट सब लिखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। चलते आगे की और, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है डार्जन रिएक्शन का, कि इफ इफ पिरिडीन इज यूज्ड, pyridine is used, then inversion occur, inversion occurs। मतलब pyridine कैसा दिखता है, ये pyridine कैसा होता है, इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं pyridine, ये पिरिडीन। अगर हम डार्जन रिएक्शन में पिरिडीन यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डार्जन रिएक्शन, अगर हम अपने कंपाउंड में पिरिडीन यूज कर दें SOCl2 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑकर हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे, क्वेश्चंस में अगर देखिए, ये हमारे पास कंपाउंड है फिशर प्रोजेक्शन वाला, यहाँ पर CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ H है, OH है। अगर हम इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ देख कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CH3 C2H5, ठीक है, H, और ये हमारा Cl बन जाएगा। अगर इस SOCl2 के साथ अगर हम पिरिडीन यूज़ कर लें, पिरिडीन, तो अब क्या होगा कि Cl जो है हमारा पीछे की तरफ लगेगा, उल्टा तरफ लगेगा, यहाँ लगेगा Cl, और ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑकर हो रहा है, इन्वर्जन ऑकर्स हो रहा है। तो इसका जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, SNGP हो रहा है ये, ठीक है, SNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, SNGP, ठीक है, SNGP हो रहा है, न्यू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो SNNGP, यहाँ पर क्या हो रहा है, SNNGP हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एक फॉर्म होता है SN2 का, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पिरिडीन के साथ जब भी हम रिएक्शन करेंगे, तो इन्वर्जन ऑकर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि पिरिडीन के प्रेजेंट में SOCl2 का रिएक्शन हो, तो डार्जन रिएक्शन में इन्वर्जन ऑकर हो जाता है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग।
अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कीन देखते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्कीन, वो था मेरा अल्कोहल के साथ, अब मेरा अल्कीन के साथ है। अल्कीन के साथ देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। देखिए अल्कीन के साथ किस तरह से प्रिपेयर करना है। जैसे हमारे पास अल्कीन है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, इसका हम लोगों को प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कराना है विच एच एक्स कराना है। तो इसमें देखिए किस तरह से कराना है, तो इस एच एक्स को कैसे तोड़ सकते हैं, एच प्लस और एक्स माइनस में। अगर हम एच प्लस, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना है। अगर हम कार्बो इस तरह से तोड़ते हैं, अगर ये इस तरह से तोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे से तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो हम इस तरह का अगर हम करते हैं, तो ऊपर वाला अगर हम लोग देखें तो इस तरह का R सी एच सी एच टू, यहाँ पर क्या होगा, प्लस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें, ये कितना है, ये मोर स्टेबल पार्ट है, ठीक है, सी एच टू माइनस। अब क्या होगा, अगर हम इसका नीचे वाला बनाए, अगर हम लोग नीचे वाला बनाते हैं तो R सी एच सी एच टू प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ये बताते कैसे लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा एच लेस है और ये मोर स्टेबल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस इसको अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस ये लेगा, ये H प्लस ले करके, ये H प्लस ले करके यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन करेगा, R सी एच सी एच थ्री का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास x माइनस हमारा घूम रहा है, x माइनस बीकर के अंदर, ये x माइनस इसको अटैक करेगा, और फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा आर सी एच सी एच थ्री सी एच एक्स, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला स्टेप जो है जिसमें लेस स्टेबल बन रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेप है, लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरह हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या क्या वर्क कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे कि ये, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करना है आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करना है, कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, ठीक है, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज द मेजर प्रोडक्ट, इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग इस मेथड से करते हैं तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अगर हम लोग इस तरह से एडिशन करते हैं R CH2X, ये हमारा क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से हमारा मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। जैसे कि हम एक और इलस्ट्रेशन से आपको समझाते कि किस तरह से आपको लेना है।
जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर हम इसका करते हैं क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका HCl के साथ रिएक्शन कराना है। HCl को हम कैसे तोड़ सकते हैं? H प्लस Cl माइनस। अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस बनता है, तो ये कितना हुआ, यहाँ पर कितना अल्फा एच है, यहाँ पर अल्फा एच कितना आ रहा है, 3 3 6 3 9 अल्फा एच आ रहा है। ठीक, अगर हम इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमारे पास कितना आता है, एच प्लस यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा कंपाउंड इस तरह से। तो यहाँ पर ये 9 अल्फा एच दे रहा है। अगर इसी को हम लोग इस तरह से तोड़ें, इस तरह से तोड़ते हैं, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ एच आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन कितना बनेगा, 1 अल्फा एच होगा, जो एक लेस स्टेबल है और ये एक मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल जो है हमारा कार्बोकैटायन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, Cl माइनस आएगा, इसको अटैक करेगा इस तरह से और हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब कोई कोई टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा जाता है कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला जाता है कि R CH डबल बॉन्ड CH2 HX है, ये हमारे पास H प्लस X माइनस, तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग चलें तो हमारे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो RCHX होगा और CH2 CH3 हो जाएगा, ये ठीक है, ये CH3 हो जाएगा। ये जो बोल रहा है, ये जो हमारा कोको टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव होता है। इस मार्कोनिकॉव को हम गलत कर सकते हैं, अभी देखिए कैसे। ये बोलता है मार्कोनिकॉव, क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, which has lesser number of hydrogen। ठीक है, ये बिल्कुल ही wrong concept है, ये एक wrong concept है, मैं इसको बताता हूँ ये एक wrong concept कैसे है। अगर हमारे पास question है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग मार्कोनिकॉव एडिशन से करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एच एक्स का कराना है हम लोगों को, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ, क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव पार्ट of the reagent, goes to that carbon which has lesser number of hydrogen। तो reagent का negative part वहाँ जाएगा जहाँ पर lesser number of hydrogen है। तो pi bond के पास, अगर pi bond को ऐसे तोड़ते हैं, pi bond यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर hydrogen कितना है, एक hydrogen है, क्योंकि carbon यहाँ पर 1 2 3 bond है, यहाँ पर hydrogen एक है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है इधर, ठीक है, 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा है यहाँ पर, तो हमारा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा एक ऐसे, और एच प्लस यहाँ चलेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा ऐसे, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर आया है वो बिल्कुल रॉन्ग है,
अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म देखें, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, इस अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है कि कार्बोकटाइन जो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये मार्कोनी कोऑर्डिनेशन हमारा रॉन्ग हो गया है। तो अब हम इसका देखते हैं, इसको जब हम लोग करते हैं सॉल्व इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हमारे पास H प्लस और X माइनस है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं ऐसे, तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, H प्लस इसको अटैक करेगा, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा इस तरह का बनेगा, यहाँ पर प्लस H हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर एक है, तीन और एक, यहाँ पर तीन, यहाँ पर एक, यहाँ पर चार अल्फा हाइड्रोजन है। इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे हम लोग, रीअरेंजमेंट कराने के बाद क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये प्लस यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारा रीअरेंजमेंट करेंगे तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का कार्बोकटाइन बनेगा, इस तरह का कार्बोकटाइन बनेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एच एक्स, एक्स माइनस आएगा, वो इसको अटैक करेगा यहाँ से, एच एक्स माइनस आएगा, ये इसको अटैक करेगा, और फाइनल हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज राइट, राइट, और ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, चार, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन, तीन छः, दो आठ, आठ अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर चार था, चार से आठ हो गया। तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर ये बनेगा भी तो माइनर में बनेगा, अगर ये बनेगा भी तो माइनर में बनेगा, इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो ये एक माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी कुछ पार्ट बीकर में बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मार्कोनी कोऑर्डिनेशन हमारा क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। अगर हम इसको तोड़ते हैं ऐसे प्लस माइनस, तो ये ऐसे तो टूट ही जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ देखिए इस तरह के कार्बोकटाइन है, कौन सिमेट्रिकल बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल ये हो सकता है, इस तरह का उससे बन जाएगा, ये इससे नहीं बन पाएगा शायद, ये टू में क्या होगा, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा आपको कार्बोकटाइन का। तो आप इसको मार्कोनी कॉफ से नहीं कर सकते, आप मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन में सबसे पहला मेथड हम लोगों ने एच एक्स वाला पढ़ा, एच एक्स में क्या पढ़ा, एक्स में क्लोरीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, ठीक है, क्लोरीन और आयोडीन रहेगा, फ्लोरीन नहीं रहेगा, फ्लोरीन के लिए हम लोग स्वाज रिएक्शन देखेंगे, और आयोडीन के लिए हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। सेकंड बी नंबर पर क्या, बी नंबर सब पॉइंट्स पर हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम HBr परऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड
इफेक्ट, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या करना है हम लोगों को, पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, H2O2 रहता है, हो सकता है, या बेंजोइल, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। बेंजोइल पेरोक्साइड कैसा दिखता है, PH C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। HBr पेरोक्साइड जो इफेक्ट है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये स्टेप को फॉलो करता है, ये इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि HBr में पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, पेरोक्साइड इफेक्ट HBr में पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है। HiSCl और HI में नहीं लगता, HCl और HI में नहीं लगता, ध्यान रहेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसका मैकेनिज्म पर भी आते हैं, पहले देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या होता है। इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसको खास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और खास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है ये, खास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे इसको बनाया जाता है, क्वेश्चन में देखिए जैसे कि हमारे पास ये एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है, तो ये खास इफेक्ट क्या बोल रहा है कि HBr रहेगा और उस पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगा रहेगा, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है, नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब क्या है, द नेगेटिव पार्ट गोज, नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr H प्लस Br माइनस, नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज which has more number of hydrogen, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट उधर भेजना है जहाँ पर हाइड्रोजन मोर है, यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो Br माइनस क्या होगा, इधर जाएगा, इस पर अटैगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2Br, इस तरह से हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म, और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम लोगों का आइडिया हो जाएगा। याद रहे कि HBr में पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, HCl और HI में नहीं लगता, ठीक है, रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं फ्री रेडिकल, स्टेप वन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा आपको बताते हैं, इसमें मैकेनिज्म्स कैसे होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म्स को ध्यान दीजिए कि मैकेनिज्म में क्या होता है,
आपका बेंजोइल पेरोक्साइड जो है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, इसका क्या होगा? होमोलेटिक फ्यूजन होगा, होमोलेटिक फ्यूजन होगा। अब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो यहाँ से ब्रेकिंग होगा इस तरह से, और फ्री रेडिकल यहाँ यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का कैसे फॉर्मेशन होगा? टू पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ फ्री रेडिकल। एक बार हमारे मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अगर हमारे सिस्टम में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, दूसरा जो कंपाउंड उसके साथ मौजूद है HBr उसके साथ भी होमोलिटिक फ्यूजन कर देगा। ये खासियत है कि अगर एक बार अगर होमोलिटिक फ्यूजन हो गया तो पूरे इंटायर रिएक्शन में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर होगा तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो पी एच सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, ये ओ रेडिकल के साथ कंबाइन करके बेंजोइक एसिड बना देगा पी एच सी एच ओ एच, और बी आर फ्री रेडिकल यहाँ पर बीकर में घूमता रहेगा। अब ये बी आर फ्री रेडिकल क्या करेगा, अल्कीन को देखेगा, ये हमारे पास अल्कीन है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये बी आर क्या करेगा, ये बी आर फ्री रेडिकल पहला स्टेप क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये बी आर रेडिकल इसका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और हमें पता है कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री, 3 फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल और 1 डिग्री, जी बिल्कुल कार्बोकटाइन, सेम एज कार्बोकटाइन की तरह स्टेबिलिटी होता है, सेम एज कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, और हमें पता है कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अब क्या करेगा, ये बी आर इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा आर सी एच सी एच टू बी आर, ठीक है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, हमारे पास ये जो है फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन हुआ है आर सी एच सी एच टू बी आर, ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, और हमारे पास बेंजोइक एसिड जो बना है पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस पर क्या होगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, इसको ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ये एच इसके साथ कंबाइन करेगा, ये एच इसके साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा आर सी एच टू सी एच टू बी आर, और हमारे पास एक फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन ब्रोमिनेशन बोथ द स्टेप्स आर इन ब्रोमिनेशन, दोनों स्टेप जो है इन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। तो HBr में जो हो रहा है कि दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों स्टेप हमारा एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक हैंस रिएक्शन इज फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम HF ले लेते हैं इन केस ऑफ, अगर HF ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बोथ स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक
both steps are endothermic and non-spontaneous. इसी लिए ये होता ही नहीं है. तो HBr peroxide इफेक्ट में HBr में ही peroxide इफेक्ट लगता है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर हम दूसरा केस लें, इन केस ऑफ HCl या HI लें, उसमें वन ऑफ द स्टेप्स इज एक्सोथर्मिक एंड अदर वन इज एंडोथर्मिक. वन ऑफ द स्टेप्स इज एक्सोथर्मिक एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज थ्रू कार्बोकैटायन, इज थ्रू कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से. कार्बोकैटायन का स्टेप हम लोग को फॉलो करके प्रोडक्ट का बनाना है थ्रू कार्बोकैटायन, ठीक है. तो एंटी मार्गोनिक ऑफ सिर्फ HBr पेरोक्साइड में लगे, HBr और पेरोक्साइड जहाँ रहे एंटी मार लगाना. HCl HI जहाँ दिखे तो मार्गोनिक ऑफ नहीं लगाना, फॉलो कार्बोकैटायन मेथड से स्टेबल कार्बोकैटायन का कंपाउंड बनाना है, ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोगों को आइडिया हो जाएगा. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे हमारे पास ये HCl के साथ अगर रिएक्शन दिया रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को तोड़ना है इस तरह से, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये प्लस ये माइनस. हमारे पास क्या कंपाउंड बन सकता है, ये इस तरह से बन सकता है, ठीक है. यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर Cl लगाएंगे. अगर इसी कंपाउंड में हमारे पास HCl पेरोक्साइड दिया रहे, एक स्टेप तो हमारा क्या है एक्सोथर्मिक होता है इसमें, और फॉलो कार्बोकैटायन मेथड को फॉलो करेगा, तो हमारे पास फिर भी यही कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड. अगर हम HBr ले लें तो भी हमारे पास यही कंपाउंड बनेगा HBr. लेकिन अगर हम HBr पेरोक्साइड ले लेते हैं, HBr पेरोक्साइड, तो ये क्या करेगा, एंटी मार्गोनिक ऑफ को फॉलो करेगा, एंटी मार्गोनिक ऑफ को फॉलो करेगा. फाइनली हमारे जो कंपाउंड कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजना है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज एंटी मार्गोनिक ऑफ रूल, ठीक है. तो इसको हम लोग करेंगे एंटी मार्गोनिक ऑफ रूल. तो फाइनल हमारा क्या यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा, हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, Br, ठीक है. तो ये था हमारा एंटीमार और मार्गोनिक ऑफ. कार्बोकैटायन मेथड से चलना है, ये तीनों को हम लोगों को क्या करना है, फॉलो कार्बोकैटायन मेथड्स, कार्बोकैटायन एंड इसको एंटीमार, मार्गोनिक ऑफ रूल, कॉप्स रूल, ठीक है. तो ये था हमारा. अब हम लोग एक लास्ट पार्ट है इसका, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर, Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में एक लास्ट पार्ट है फ्रॉम अल्कीन का. यहाँ पे क्या करना है, एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो जैसे हमारे पास अल्कीन है, ये अल्कीन है हमारे पास, ठीक है, ये अल्कीन है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं X2 के साथ, ठीक है, X2CCl4 के साथ. तो इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है वो देखिए, इसमें क्या होता है, ये एंटी एडिशन फॉलो करता है, एंटी एडिशन. ये मैकेनिज्म से पता चलेगा कि एंटी एडिशन कैसे होता है. तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से यहाँ पर X लग जाएगा, यहाँ X, ये इस तरह से यहाँ X लग जाएगा, ये अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है. मैकेनिज्म्स,
मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या कर रहा है, इस XX बॉन्ड को इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज लाइबल टू ब्रेक, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और फाइनली हमारा ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये कैसा बनेगा कंपाउंड, इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा, एक्स इस तरह से जुटेगा और ये सी, ये एक्स इस तरह से जुटेगा, ये फाइनल हमारा बॉन्ड बनेगा और एक्स माइनस हमारा बीकर में घूमता रहेगा, एक्स माइनस, एक्स माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्स माइनस का अटैक कराना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या होगा कि इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर हैलोजन ने तीन बॉन्ड बना के रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल स्टेट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो x माइनस टूटा है, ये x माइनस टूटा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको अटैक नहीं कर पाएगा, ये इसको अटैक यहाँ से नहीं कर पाएगा कि ताकि ये बॉन्ड टूटे, ऐसे नहीं टूटेगा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ से अटैक करना, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और फाइनली हमारा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो ये स्टेप को तो फॉलो करने वाला है नहीं, तो हमारा ये स्टेप टूटेगा और हमारा फिर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा, सी सी, ये सी, इस तरह से, इस तरह से ये एक्स का फॉर्मेशन होगा और हमारा जो एक्स है ये ऊपर की तरफ लग गया, इस तरह से एंटी एडिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन स्टेप, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड में एक्स लगा है तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो Br2CCl4 एंटी एडिशन को फॉलो करता है, मैं इसको स्टीरियो केमिस्ट्री से दिखाता हूँ कि कैसे ये फॉलो करता है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है CCl2 CCl4 और ब्रोमीन है, तो इसमें क्या करना है, एंटी एडिशन करना है हम लोगों को। एंटी एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये ब्रोमीन हमारा क्या करेगा, इसके साथ जो रिएक्शन करेगा वो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बनाएगा, एक तो ऐसा बनाएगा ये ब्रोमीन और एक हमारा ये ब्रोमीन, इस तरह से अटैच करेगा। अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री करके देखें तो यहाँ पर जो बनेगा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो जैसे कि हमारा ये है, ये कंपाउंड, ये रिएक्शन है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, CCl4 ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये ब्रोमीन है, एक बार ब्रोमीन, एक बार डैश में बनेगा, एक बार वेज में बनेगा, ये ब्रोमीन वेज में बनेगा, तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो, या आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो, ये हमारा क्या हुआ, एंटी एडिशन हो गया, क्योंकि ये हम ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, द प्लेन, और ये अबव द प्लेन। तो एंटी एडिशन रूल को फॉलो करता है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन, तो उससे कुछ ज़्यादा ही आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, अगर हम HCl के साथ करते हैं तो
HCl प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ से कार्बोकटाइन टूटेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो रीअरेंजमेंट करेंगे कार्बोकटाइन का, रीअरेंजमेंट, तो हमारे पास कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन होगा, ऐसा ऐसा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और ये कार्बोकटाइन यहाँ शिफ्ट होगा और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और फिर सी एल माइनस आएगा, सी एल माइनस इसको अटैक करेगा इधर और ये हमारा कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा। अगर इसी कंपाउंड को अगर हम लोग HBr पेरोक्साइड में करें, तो HBr पेरोक्साइड में तो एंटीमार लगाना है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, एंटीमार कोनिकोव एडिशन करना। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, देखिए इस पोजीशन पर दो हाइड्रोजन है और इस पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हमारा ये कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, या इसको बेटर वे में और दिखा देते हैं, इस तरह से Br होगा, Br इस तरह से अटैच होगा। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 CCl4 के साथ, तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा, इसमें होगा एंटी एडिशन, एक बी आर यहाँ पर लगेगा और एक बार बी आर यहाँ पर लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। होप ये पॉइंट सारा क्लियर है कि हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई, एक स्पेशल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नंबर क्या है, टू, कितना नंबर था वो, ये सी था, ये सी था, वो क्या था, टू था, ये हमारे पास क्या था, टू, ये टू था, अब हमारे पास थ्री है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन इसमें हम लोग देखेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शंस। इस मेथड से टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या यूज करना पड़ता है हम लोगों को, रिएजेंट, इसमें रिएजेंट यूज करना पड़ता है NaX, Na+ और पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, DMF यूज़ कर सकते हैं, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, या DMSO यूज़ कर सकते हैं, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, या हम्पा यूज़ कर सकते हैं, हेक्सामिथाइल फॉस्फो फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ठीक है, तो ये हमारा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं इसमें NaI में। ठीक है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO या हम्पा। ठीक है, ये हम लोग रीडली यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा रिएजेंट है। एसीटोन, DMF, DMSO, हम्पा सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, फॉस
बोलते हैं डायमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको बोलते हैं डायमिथाइल फॉर्मामाइड। ये सब कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस रिएजेंट में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास आरएक्स है, एनआई है, नाइक इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन है, तो ये क्या करेगा, एनएक्स निकल जाएगा, ठीक है, आरआई और एनएक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर NaX के तौर पे क्या हो सकता है, NaCl या NaBr प्रेसिपिटेट कर जाएगा इन ड्राई एसीटोन, ठीक है। NaCl NaBr इस प्रेसिपिटेट कर जाएगा, मतलब जमीन बीकर पे बैठ जाएगा, ठीक है, इस प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन which facilitate forward reactions, मतलब मोर एंड मोर आर आई का फॉर्मेशन करेगा, तो ये ली शैटेलियर प्रिंसिपल को सपोर्ट करेगा, which facilitate the forward reactions according to ली शैटेलियर प्रिंसिपल, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। जैसे कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3X है, CH3Cl है हमारे पास, इन प्रेजेंस ऑफ NaI एसीटोन, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, NaCl निकल जाएगा, CH3I और NaCl का, ये NaCl क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट कर दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर्स। अब स्वार्ज रिएक्शन देखिए, इसका नेक्स्ट है, लास्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन में क्या करना है, इसमें हम लोग अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड का, ठीक है। इसमें हम लोगों को कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, नो रीअरेंजमेंट, कहीं पर कोई रीअरेंजमेंट, सिर्फ अल्कोहल वाले में हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है, इसमें भी नो रीअरेंजमेंट, इसमें कैसे हो रहा है कि RX जो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कौन कौन है हमारा बताते हैं आपको, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, फ्लोराइड RF का फॉर्मेशन करता है प्लस AgX का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हमारा क्या क्या हो सकता है, रिएजेंट क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में क्या क्या हो सकता है, AgF हो सकता है हमारा, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, Ag2F2 हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, CoF2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, CoF2, SbF3। तो इसमें कैसे हो रहा है रीअरेंजमेंट वो दिखाते हैं आपको, कि RX है, जैसे सपोज कीजिए ये RX है, AgF के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर से AgX निकलेगा और RF और AgX का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा था फिंकरस्टाइन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये ब्रोमीन है, इसको हम AgF के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, F बनता है, राइट। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का हो, ये ब्रोमीन है, यहाँ पर CH2Cl है, ठीक है, तो इसमें कैसे रिएक्शन होगा अगर हम AgF के साथ कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि AgF यहाँ से उठाएगा या Br या यहाँ से उठाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर जो ब्रोमीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, ठीक है, और यहाँ पर डेवलप कर रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो आप रिएक्शन किधर होगा, AgF का रिएक्शन इधर होगा, इसके साथ हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। Br के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2F बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो विद दिस वी क्लोज दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हैलोजिनेशन रिएक्शन, और फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस यूजिंग SN1 एंड SN2, ठीक है, SN1 एंड SN2 देखेंगे, फिर उसके बाद RL हैलाइड देखेंगे। तो 3 से 4 क्लास लगेगा इसको ख़त्म करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कम्युनिकेट कीजिएगा हमारे बारे में। थैंक यू सो मच।